तो स्वागत है आपकी उषा किचन में, और मेरी किचन बना बैंगन का भरता। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बड़े साइज की दो बैंगन लिए हैं, इन्हें हम काट लेंगे। बैंगन कट चुके हैं, आपको भी इसी तरीके से काटने हैं। अब चलते हैं उबालने के लिए हम इसे। मैंने यह गैस को ऑन कर दिया है। अब हम रखेंगे कुकर, उसमें हम डालेंगे बैंगन और दो गिलास पानी डालेंगे और दो सीटी लगाएंगे उबालने के लिए। बैंगन हमारे यहाँ उबल चुके हैं अच्छे से, और मैंने ये अच्छे से मैश कर रही हूँ। अब हम चलते हैं अगली सामग्री की तरफ। तो मैंने यहाँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, किचन किंग का मसाला, जीरा तड़के के लिए, और यहाँ बड़े प्याज लिया, मैंने तीन बड़े प्याज लिए हैं, बारीक चॉप हरी मिर्च, बारीक चॉप लहसुन, बारीक चॉप टमाटर, बारीक चॉप अदरक, मटर लिया है मैंने आधा कटोरी, तेज पत्ता और हींग। गैस हमारी ऑन हो चुकी है, मैंने इसमें यहाँ कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। अब इसमें हम डालेंगे तेल, तेल हमारा गर्म हो रहा है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा, जीरो करेंगे हम ब्राउन अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हमारा जीरा यहाँ ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, अब अच्छे से करेंगे मिक्स। हम इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है फ्रेंड्स, प्याज टमाटर को। फ्रेंड्स, ये हम ऐड करेंगे तेज पत्ता अच्छे स्वाद के लिए, जो हमारे बैंगन के भुर्ते में अच्छा फ्लेवर आए, अच्छा स्वाद आए, इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब डालेंगे इसमें मटर, अच्छे से करेंगे हम मिक्स। प्याज टमाटर मटर हमारे भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूंगा अपने मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगा हल्दी पाउडर, उसके बाद मैं करूंगा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग का मसाला, सच हमारा टेस्ट आएगा, हींग, अच्छे से करेंगे इसे हम मिक्स। तो फ्रेंड्स, हम डालेंगे धनिया पत्ता जो मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ था, अब इसे अच्छे करेंगे हम मिक्स। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है, आपको भी इसी तरीके से मिक्स करना है फ्रेंड्स। अब हम करेंगे नमक ऐड स्वाद के अनुसार, अच्छे से करना है मिक्स हमें, आपको भी इसी तरीके से मिक्स करना है। अब इसे हम ढक के रख देंगे जिससे कि हमारे मसाले 5 मिनट के लिए भुन जाए। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, मसाले हमारे भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें अदरक, उसके बाद बैंगन जो मैंने उबाल के रखा हुआ था, तो फ्रेंड यह करना अच्छे से मिक्स, और आपको भी ऐसे करना है। तो फ्रेंड, बैंगन का भरता हमारा एकदम रेडी हो चुका है, अब मैं करूंगी इसे सर्व, आप भी एक बार जरूर ट्राई करना इसे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।